नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। सीएम योगी के पास शासन से लेकर तहसील और थाने तक की सीक्रेट रिपोर्ट पहुंच रही है। शासन स्तर के अच्छे कार्य करने वाले टॉप 10 की रिपोर्ट भी बनी है। इसके अलावा खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों की भी रिपोर्ट बनाई गई है। तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक और ट्विटर से आरजेडी कोटे से विधायक बने सभी मंत्रियों के लिए 6 एडवाइजरी जारी की है। साथ ही कहा है कि मंत्रियों को बुके देने के बजाय बुक पेन एक्सचेंज को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने मंत्रियों को सलाह दी है कि विभाग में कोई भी अपने लिए कोई गाड़ी नहीं खरीदेगा। इसके साथ ही बुजुर्ग कार्यकर्ता या समर्थक किसी भी व्यक्ति को अपना पैर नहीं छूने देंगे। कानून मंत्री कार्तिक कुमार के खिलाफ अपहरण के एक मामले को लेकर कांग्रेस के बिहार मामले के प्रभारी भक्त चरण दास ने पीटीआई भाषा से कहा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को राजद नेता कार्तिक कुमार के खिलाफ मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। इस मुद्दे पर चर्चा की जरूरत है और मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सीबीआई रेड के बाद मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी होने जा रहा है। अब मोदी जी नहीं चाहिए, एक मौका अरविंद केजरीवाल को देना है। आजकल में मुझे भी गिरफ्तार कर सकते हैं। हम भगत सिंह के फॉलोवर हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। अगला चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने यूपी में ओबीसी के वोटों पर फोकस करते हुए कुछ बड़ा फैसला भी किया है, जिसमें योगी सरकार पिछले 10 सालों में सरकारी नौकरियों में ओबीसी प्रतिनिधित्व का आकलन करने जा रही है। इसके लिए शासन ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर पूरा ब्यौरा मांगा है। बता दें कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी टारगेट 80 पर काम कर रही है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल शनिवार को सीबीआई पर हमला बोला है। उन्होंने जांच एजेंसी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। सिब्बल ने ट्वीट किया, सीबीआई कभी एक पिंजरे का तोता रहा, अब आजाद हो गया है। इसका मालिक जो कहता है वह तोता करता है। भारतीय किसान यूनियन ने श्रीकांत त्यागी और उसकी पत्नी अनु त्यागी के समर्थन में महापंचायत का ऐलान किया है। ये महापंचायत 21 अगस्त को गौतम बुद्ध नगर में होनी है। भारतीय किसान यूनियन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने उम्मीद जताई है कि इसमें 15 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह शनिवार को नूरसराय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनको फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया और साथ ही यह नारा भी लगाया, बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। बता दें कि छपरा, गोपालगंज, हाजीपुर, सिवान, पटना जाकर विभिन्न जगहों पर जाकर आरसीपी सिंह ने अपने समर्थकों से भेंट की। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर ने कर्ज के बोझ तले दबी डीवी पावर लिमिटेड को खरीदने का ऐलान किया है। अडानी पावर के इस अधिग्रहण की एमओयू की प्रारंभिक अवधि 31 अक्टूबर 2022 तक होगी। इस बीच सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को अडानी पावर के शेयर में तेजी देखने को मिली। अडानी पावर का शेयर 2.88% की तेजी के साथ 410.90 रुपये पर बंद हुआ। राजधानी दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंट्रोस्पेक्शनल आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल विषय पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री होंगे, वहीं विधि और न्याय मंत्री जी किरण रिजिजू विशेष अतिथि होंगे। इसके साथ ही आज शाम वह हरियाणा के पंचकूला में बीजेपी कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। राधा कृष्ण की आपत्तिजनक पेंटिंग बेचने पर ई कॉमर्स कंपनी अमेजन एक बार फिर विवादों में आ गई है, जिसके बाद हिंदू संगठन ने बाद में एक ट्वीट में दावा किया है कि हंगामा होने और ट्विटर पर बायकॉट अमेजन ट्रेंड होने के बाद अमेजन और एसोकॉटिक इंडिया ने पेंटिंग को वापस ले लिया। हालांकि इसके बाद अमेजन के द्वारा माफी भी मांगी गई है। 17 वर्ष के प्रज्ञानंदा अब 12 अंक लेकर दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के साथ शीर्ष पर हैं। बता दें कि FTX क्रिप्टो कप शतरंज में दुनिया के छठे नंबर के खिलाड़ी लेवोन ओरेनियन को 3-1 से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। उन्होंने पहले दौर में अलरीजा फिरोजो को, फिर अनीश गिरी और तीसरे दौर में हैंस निमोन को हराया था। टीम इंडिया के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने विराट कोहली के डेडिकेशन से जुड़ा एक हिस्सा स्पोर्ट्स वेबसाइट से बातचीत के दौरान बताया है कि विराट कोहली सिर्फ अपने अभ्यास के दम पर भारत के सबसे अच्छे स्लिप फील्डरों में से एक बने। वह स्लिप के लिए अच्छे फील्डर नहीं थे क्योंकि वह काफी ज्यादा ऊर्जावान थे। विराट अब एशिया कप 2022 में टीम इंडिया में वापसी करेंगे।
कर्नाटक सरकार ने सभी स्कूलों और विश्वविद्यालय पूर्व के सभी कॉलेजों में सुबह की प्रार्थना सभा में प्रतिदिन राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि 17 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक सभी सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों और विश्वविद्यालय पूर्व के कॉलेजों पर यह फैसला लागू किया गया है। ताइवान ने चीन के साथ चल रहे तनाव को लेकर भारत से मदद मांगी है और इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरपोल में शामिल होने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि भारत मेजबान देश है जिसके पास हमें आमंत्रित करने की शक्ति है। इन सब के बीच खास बात यह है कि 90 इंटरपोल आमसभा अक्टूबर में भारत में आयोजित होगी। मंकी पॉक्स के बढ़ते केस को देखकर WHO के तकनीकी प्रमुख रोसमन लुइस ने कहा कि मंकी पॉक्स का टीका बीमारी रोकने के लिए 100% प्रभावी नहीं है। वैक्सीन पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा। इसके पहले WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले हफ्ते लगभग 7,500 मामले सामने आए हैं। स्वदेशी रूप से विकसित तत्काल आधार पर भुगतान समाधान UPI ब्रिटेन के बाजार में उतरेगा। शुरुआत में इसके जरिए QR कोड आधारित लेन देन किया जाएगा। इसके अब तक 70 करोड़ से ज्यादा अधिक कार्ड जारी किए जा चुके हैं। पे एक्सपर्ट के प्रबंधन निदेशक डेविड आर्मस्ट्रांग ने कहा कि UPI और रुपए के आने से ब्रिटेन में कंपनी के लिए अवसरों का नया क्षेत्र खुलेगा। भारत के युवा पहलवान अंतिम पंघाल अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अंतिम ने 53 किलो भार वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान की अल्तिन सगाइगा को 8-0 से धूल चटाई। एशियाई अंडर-20 चैंपियनशिप स्वर्ण, अंडर-17 विश्व कांस्य, अंडर-23 एशियाई रजत और सीनियर अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पर ट्यूनेशिया में रैंकिंग सीरीज स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। मुख्य महानगरों के साथ कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने के मकसद से एयर इंडिया 24 अतिरिक्त घरेलू उड़ानों को शुरू करेगा। यह शुरुआत शनिवार से की जाएगी। इसको लेकर एयरलाइन ने बयान जारी किया है जिसमें बताया गया है अतिरिक्त 24 उड़ान में 2 नई फ्रीक्वेंसी दिल्ली से मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद और मुंबई से चेन्नई और हैदराबाद के लिए है। भारत के जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा 26 अगस्त से होने वाले डायमंड लीग में नहीं खेलेंगे। नीरज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान चोटिल हो गए थे। इस पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट आदर्श सुमरीवाला ने कहा है कि नीरज अभी भी चोट से उभर रहे हैं और इसलिए हम बाकी सीजन के लिए उन्हें और जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतारा जिले में नदी के बहाव में बह रही बच्ची को 15 साल का एक सीताराम यादव नाम के बच्चे ने बचा लिया। बता दें कि यह घटना थान खमड़िया इलाके का है। जानकारी के अनुसार चुहका गांव में रहने वाली 13 साल ज्योति पटेल और 11 साल रागनी यादव दोस्त थे जो कि एक साथ पानी की धार में बहने लगे, जिसके बाद सीताराम ने उन दोनों बच्चियों में से एक को बचाने में सफलता पा ली जबकि एक की मौत हो गई। मशहूर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अब स्टेटस अपडेट चैट लिस्ट नाम का ऐसा फीचर लेकर आया है जो यूजर्स को चैट लिस्ट में ही स्टेटस अपडेट्स देखने की सुविधा देता है। इसका नाम स्टेटस अपडेट चैट लिस्ट फीचर है। इस फीचर के पेस होने के बाद जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नया स्टेटस अपलोड करता है तो अपडेट चैट लिस्ट के साथ दिखाई देगा। शेयर बाजार के बिग बुल रहे दिवंगत राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइन कंपनी अकाया एयर बड़े पैमाने पर अपना विस्तार करने वाली है। कंपनी को सितंबर अंत तक 150 से अधिक साप्ताहिक उड़ानों के परिचालन की उम्मीद कर रही है। इसकी हर 2 सप्ताह में एक नया विमान जोड़ने की योजना है और मार्च 2023 के अंत तक इसके बेड़े में 18 विमान होंगे। सोनी टीवी का क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 14 गुजरात की रहने वाली ऋचा पवार आई थी। ऋचा ने अपनी जनरल नॉलेज से सभी को हैरान कर दिया। इस दौरान ऋचा ने अपनी बीमारी का खुलासा करते हुए कहा कि उनकी दोनों किडनी करीब 80% तक फेल हो चुकी है और अब उनकी किडनी ट्रांसप्लांट होगी या फिर उन्हें डायलिसिस के सहारे जिंदा रहना पड़ेगा। भारत में बीते 24 घंटे में 13,272 मरीजों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने से देश में महामारी की कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,43,27,890 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,01,166 रह गई है। संक्रमण की दैनिक दर 4.21% जबकि साप्ताहिक दर 3.87% दर्ज की गई है, जबकि मृत्यु दर 1.19% है। कार्तिक आर्यन ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें उनके एक नन्हे फैन को देखा जा सकता है। ये नन्हा फैन एक्टर को बताते हुए दिखाई दे रहा है कि उसने कार्तिक की हालिया रिलीज फिल्म भूल भुलैया 2 देखी है और उसे वो कितनी पसंद आई। इस प्यारे से वीडियो को एक्टर ने कैप्शन दिया, इससे बड़ा कोई नाम नहीं, भूल भुलैया 2।
देश के बड़े राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में बने महागठबंधन और नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संभव है लोकसभा चुनाव तक ये लोग साथ रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इसमें फेरबदल संभव है। संभव है लोकसभा चुनाव तक ये लोग साथ रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इसमें फेरबदल संभव है। देश में धार्मिक टूरिज्म की बढ़ती मांग को देखते हुए IRCTC श्री रामायण यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। यह खास लग्जरी रेलगाड़ी आपको 20 दिनों में भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थानों और जगहों की सैर कराएगी। इस ट्रेन की यात्रा 24 अगस्त 2022 से शुरू होगी। खास बात यह है कि आप इस यात्रा का किराया 10 महीनों की किस्तों में भी अदा कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग ने कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डाक विभाग इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए 98,083 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगा। विभाग देश के सभी राज्यों में मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन और मेल गार्ड के पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। घड़ियालों के लिए प्राकृतिक रूप से सबसे सुरक्षित स्थान चंबल नदी है। नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी 600 किलोमीटर लंबा 3 राज्यों की सेंचुरी है। कोटा जिले में एकमात्र घड़ियाल की नेस्टिंग साइट है। उन्होंने बताया कि एक मादा करीब 35 से 40 अंडे देती है, लेकिन बाढ़ और पानी में बहाव के कारण 2% ही बच पाते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नु कुमार, साहबत निशा, मोहम्मद महमूद, प्रिंस पाल, पप्पू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक सिसोदिया ने जो बयान दिया है कि 2024 में आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी होने जा रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल मोदी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।